Good evening, ladies and gentlemen, sisters and their brothers. Definitely not mine. Kaise ho? Welcome to another episode of PollBaazi. Main kaun? Are your friend, your host. I am Vidhi. Ye kya kabutar ki tarah dekh rahe ho mujhe gardan hila hila ke? ये हमारे useless expert on the show है, because you know PollBaazi needs expert opinion. तो तुम्हें देखते ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है. कार्बोरेटर में कचरा जब जाता है, ऑयल फिल्टर में पानी आ जाता है. Yes, let me introduce the man to him. ये है NoNo Patekar, जो इस गेम में हमारी हेल्प करने की थोड़ी सी लिटिल बिट कोशिश करने वाले हैं. थैंक यू विधू. उस विधू प्यार से मैं तुम्हें विधू कहता हूँ. प्यार से मैं तुम्हें गेट आउट कहती हूँ. कम विथ मी. तो चलिए, अब आप गेम ज्वाइन कर चुके हैं, तो PollBaazi गेम के बारे में आपको समझा तो दूं. मैं आपसे आज बहुत ही आसान सवाल पूछने वाली हूं. हर सवाल के 3 इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे. 10 सेकंड के अंदर आपने अपना जवाब टैप कर देना है. नाउ इस गेम में कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, आप डिसाइड करेंगे. दिस गेम इज अबाउट मेजोरिटी, इंडिया की सोच. तो अगर आपका चुना हुआ जवाब मेजोरिटी को पसंद आ गया तो वो सही जवाब हो जाएगा और आप गेम में आगे बढ़ जाएंगे. और अगर ऐसे ही आपने 8 सवालों के जवाब दे दिए तो 10,000 रुपए में से आज अपना हिस्सा जीत ले जाएंगे जी आप. और फिर जब आप जीत जाएंगे, यू लकी बॉय, यू लकी गर्ल, यू लकी पर्सन, आप और हम, मैं कॉफी पे जाएंगे. आई लव कॉफी. एकदम विधि, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कहीं भी. ठेले पे चलो, नदिया किनारे चलो, हिरायाई मोरी कंगना चलो, मैं चलूंगा. कॉफी में क्या रखा है? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी. नो, नेवर, नो नो. अब जरा वो जो मेरा दिल तुमने अपने ऊपर चिपका रखा है. एक्सक्यूज मी, इनका दिल नहीं है ये. दिस इज माय हार्ट फॉर यू. ये जो दिल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मैं स्पेशली लेकर आई हूँ क्योंकि आप PollBaazi में अब लाइव यूज कर सकते हैं. यानी कि अगर आपका कोई भी जवाब मेजोरिटी जवाब से मिसमैच हो जाता है तो आप गेम में एक लाइव यूज करके वापस आ सकते हैं इन द गेम. एंड यू नो व्हाट, PollBaazi इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप एलिमिनेट हो भी गए तो आप एंड तक गेम खेल सकते हैं क्योंकि आप इंडिया की सोच बताएंगे. आप भी तो इंडिया की सोच डिफाइन करेंगे, तो आप मेजोरिटी का हिस्सा बन सकते हैं. ही बताया तुमने. मैं बता दूं कि आज मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का. इंडिया इंडिया. बहुत अच्छी लग रही है, एक बार कूद के दिखाओ. आगे की बात बताइए. हाँ, तो रोहित और धवन दोनों अच्छे लड़के हैं, काफी ट्रेनिंग दी मैंने. अभी दोनों बैटिंग कर रहे हैं, रोहित ने एक चौका भी मारा और मैच आगे बढ़ रहा है, 8 रन बन चुके हैं. इसे कहते हैं शुरुआत. और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप हमारे साथ खेल रहे हैं. कितने क्यूट है यार आप. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. 17,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, एप्पल यूजर्स एंड एंड्रॉइड यूजर्स. और अगर आपके एप्पल फ्रेंड्स अभी नहीं खेल पा रहे तो उनको बोलो ऐप अपडेट करो जी, तभी तो खेल पाओगे. डू यू लाइक माई एडम्स एप्पल? चलिए फोन को घूरिए, मुझे भी देखिए और दिल से मेरी आवाज को सुनिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. आपने मुझे बताना है इन तीनों में से वो कौन है जो भागने में एक्सपर्ट है, सबसे बेस्ट है. रॉ के एजेंट्स या विजय माल्या या जादूगर. ओ जादूगर, तू है मेरा जादूगर. मैंने गाना कंप्लीट कर दिया. वैसे इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा PollBaazi में एक नाम बहुत बारी आता है, उसका नाम है विजू. विजू माल्या. विधु और विजू दोनों का पुराना रिश्ता है. एक्सक्यूज मी, नो 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 नो. मैंने देखा है तुम्हें. व्हाट? मैंने विजय माल्या के पंचांग में तुम्हें देखा है. मैंने उस तस्वीर को, उस महीने को आगे पीछे दोनों से देखा, लेकिन पीछे जाते ही महीना बदल गया. नो नो, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है विजय माल्या के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड व्हाट इज दिस विजू है? पीपी का भी विजू है, तुम्हारा भी विजू है, बड़े कनेक्शन है तुम्हारे विजू के साथ. मेरी तो सिर्फ तुम हो विधु. कौन है ये लोग, कहां से आ जाते हैं ये लोग मेरी लाइफ में, क्यों आ जाते हैं? चलिए अब जानते हैं कि मेजॉरिटी, बहुमत क्या कहती है. अपना जवाब बता दिया है कि सबसे एक्सपर्ट है भागने में विजय माल्या. मतलब स्टाइल होता है, भागे भी है तो फुल स्वैग के साथ. चलो भाग चले. पीपी, सॉरी, नो नो. अरे ये पीपी पूपू क्या करती रहती हो? उस मैदे के बोरे को छोड़ो, उसके ऊपर चेन बांधो, उसके मुंह के अंदर चेन बांधो और फेंक दो यमुना में. नो नो, इतनी जेलसी, इतना गुस्सा, इतना क्रोध. शांत शांत जाए. 894 लोगों ने अपनी लाइफ यूज कर ली और गेम में वापस आ चुके, बहुत अच्छी बात है. 9140 पीपल यू आर प्लेइंग टू विन सम मनी एंड 17,000 से ज्यादा लोग इंडिया की सोच डिफाइन कर रहे हैं. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे डेंजरस कार्य कौन सा है? कांच तोड़ना या अपने पिताजी से झूठ बोलना? हो
या फिर एग्जाम में फेल हो जाना. वैसे नोनो जी, तुम्हें क्या पता एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इन एग्जाम्स इज लाइक अदरक टू यू बंदर, यू नो. ऐसे नहीं बोलते हैं विधु. मैं बहुत पढ़ा, मैं इतना पढ़ा कि टीचर्स को पीछे छोड़ दिया. केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वॉज माई फेवरेट. केमिस्ट्री में ही लिविक कनोफनी नमा गल्सी पर्सकल आर्क्सी, ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने याद कर रखा है जी. ओके, एंड जहां तक बायोलॉजी की बात है और फिजिक्स, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट वांट टू नो. मुझे साइंस कभी पसंद नहीं आई थी. मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूं. आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है मुझे. मैं तुम्हारे आर्ट पे प्रैक्टिकल करूं. ओके, ओपिनियन बताइए एक्सपर्ट्स. तो चलो बताओ जवाब क्या आ गया है. ऑलराइट, मेजॉरिटी हमारा बहुमत हमें बता चुके हैं क्या है उनका ओपिनियन. वो कहते हैं कि सबसे डेंजरस काम है अपने पिताजी से झूठ बोलना. एकदम सही बात है. मैं यही उस दिन तुमसे कह रहा था. क्या? जब तुमने अपने पिताजी से मेरे लिए झूठ बोला था. पिताजी मतलब अंकल अगर आप देख रहे हैं, नमस्ते. उस दिन आपकी छत पे पानी की टंकी के अंदर मैं ही था जब आप ढूंढने आए थे दोपहर को. एक्सक्यूज मी, पहले तो हम दोनों थे, बाद में ये ढक्कन खोल के आगे आ गई थी आपसे बात करने, लेकिन मेरे को टंकी के अंदर छोड़ दिया था. इनका माइक भी काट दीजिए, कैमरा भी काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए पिताजी, मतलब डैड. ऐसा कुछ नहीं हुआ था तुम्हारा. ओह माय गॉड, जलपरी लग रही थी एकदम. ऑलराइट, 1560 लोग अपनी लाइफ यूज करके गेम में वापस आ चुके हैं एंड 5559. व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर दिस इज. लाइक यू, थैंक यू. आप लोग अब खेल रहे हैं गेम पैसे जीतने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपने मुझे बताना है इस बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट सवाल का जवाब. हम सब ने अनूप जलोटा जी से क्या सीखा है? सब्र का फल काफी मीठा होता है, रोज भजन गाइए, या प्यार की कोई उम्र नहीं होती जी. I completely agree. Love has no age. अनूप अंकल के लिए मैं गाना गाना चाहूंगा. ऐसी लागी जब उहू पी पी करता है तो तुम बड़ा हंसती हो, मैं उहू करती हूँ तो तुम भी कर रही हो. What is this? I don't understand. खैर, ऑप्शंस के बारे में आपको बता दूं. अनूप जलोटा और जसलीन को देख के यही पता लगता है कि सब्र का फल जसलीन हो, मतलब मीठा होता है. और जहां तक प्यार की बात है, जसलीन के प्यार की कोई उम्र नहीं है. अच्छा अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है प्यार के बारे में. आओ बताओ. नो नो, शीशा देखो तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्यार. शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है. अगर नोनो के पास विधु ना आई तो वो रूठ जाता है. हाँ, बहुत अच्छी बात है, रूठ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बात करना बंद कर दो मुझसे. चलिए जी, जान लेते हैं बहुमत मेजोरिटी क्या कहती है. अनूप जलोटा जी से बहुमत ने सीखा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती. वाह जी वाह, बड़े एक्सेप्टेबल ऑडियंस है आप, मॉडर्न जमाने की ऑडियंस है. तो क्या हुआ अगर डबल डिजिट एज ग्रुप, मतलब एज का गैप है. इसीलिए जब तुम मुझसे प्यार करोगी तो कोई बुरा नहीं मानेगा. मेरे मम्मी, मेरे डैडी, उनसे मैं, नहीं, सिर्फ तुमसे. नहीं, कोई जरूरत है. 690 पीपल आपने अपनी लाइफ यूज कर ली, आप गेम में वापस आ चुके हैं. 3287 पीपल इन टोटल प्लेइंग टू विन सम मनी. 15,000 से ज्यादा लोग आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप ही तो इंडिया की सोच डिफाइन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपने मुझे बताना है जब आप पहली डेट पर जाते हैं तो अपने उनमें, पार्टनर में क्या खोजते हैं, उनके पास कितना पहा है, मतलब कि बहुत मतलब इंसान है या उनका मजाक या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं आप. सेंस ऑफ ह्यूमर झांक के देख लो या फिर उनकी शक्ल, उनका चेहरा, उनकी सूरत देखते हैं आप. व्हाट अ मटेरियलिस्टिक गर्ल यू आर. नहीं नहीं, देखो मैं नहीं कह रही ऐसा. मैं तो भाई पता है, यू नो व्हाट आई लुक फॉर इन अ मैन, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक. यू कैन कम एंड स्मेल माय सेंट ऑफ ह्यूमर एनी टाइम. व्हाट? नो नो, एयर गैप खोलूं क्या? ए नो नो, प्लीज स्टॉप इट. Oh my God, मैंने ऐसा किया कि Ananto is the producer of the show. अगर आपने Ananto से कुछ कहना है, कंप्लेन करनी है तो प्लीज कर दीजिए. प्लीज हेल्प मी फाइंड अ गुड एक्सपर्ट. वो यू नो सिक्स पैक एब्स है मेरे, देखोगी ये देखो मेरे सिक्स पैक. नो नो स्टॉप इट, नो नो स्टॉप इट. मेजॉरिटी का जवाब आ चुका है. 346 पीपल आपने अपनी लाइफ यूज कर ली है और टोटल मेजॉरिटी कहती है कि वो अपनी फर्स्ट डेट पर देखते हैं उनकी जो डेट है कैसी लगती है, कैसा लगता है. बहुत खूबसूरत लगती है. यू एंड मी ऑन अ डेट, दैट डेट विल नेवर एवर हैपन. दैट डेट इज ऑन नो कैलेंडर. Because it does not exist. That date has been there since the beginning of time. Gati shambar ek, gati shambar do. No, no, control yourself. 346 log aapne life use kar li hai, game mein wapas aa chuke hai. 1837 people, you're so smart, janta ki pulse jante hai aap. And you're playing the game to win some money. Question number 5 ab aapki screen par aa raha hai aur aapne mujhe batana hai. Jab log apne haath dho lete hai aur unko tolia nahi milta, to aise mein wo apne haath kahan pochte hai? Apni pants par? Pardon par? Wah! या फिर किसी और पर ही अपने हाथ पोछ देते हैं. लेकिन विदु, हाथ पोछने की क्या जरूरत है? Because the hands are wet, no? So,
There is water. हवा में हिलाओ हिलाओ और ऐसे छींटे. Hey, stop it. Tip tip बरसा. Hey, Ravina, control. Stop it, Noro. You are the expert. अपना opinion share कीजिए. जब बात होते हैं गीले तौलिया नहीं होता तो क्या करते हैं लोग? मैं बताता हूँ क्या करते हैं. देखो, एक बार मैंने अपने हाथ किसी के पतलून पे पोछे थे. mm-hmm. नाराज हो गई. नाराज हो गई? जेब नहीं थे ना उसके पतलून पे. Oh my God, no, no. हाँ, और एक बार मैंने सुना था, एक जनाब थे, उनका नाम शाइनी था, उन्होंने पर्दे पे पोछा था. नहीं 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 नहीं, इतनी पुरानी यादों पे नहीं जाएंगे. नो 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 नो. और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो छींक के लोगों से हाथ मिलाते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी. देखते हैं कि बहुमत क्या कहता है. तो जनता ने अपना जवाब दे दिया और कहते हैं कि जब हाथ होते हैं गीले, टॉवल नहीं मिलता है, तो पैंट्स को यूज करो. मैंने भी तो यही किया था. अरे, अपनी पैंट्स को यूज करना होता है. नो नो, नॉट समबडी एल्सेस पैंट्स, यू सिली बॉय. ये ऑप्शन में नहीं लिखा था. पतलून पे पहुंचना था, चाहे जो पतलून जिसकी मिल जाए पहुंच दो. After all, it is the mucus that binds us. No, it is not. And oh my God, no, you need help. Medical help. Come be my doctor. Okay then, 115 people, आप अपनी लाइफ यूज कर चुके हैं. थैंक यू सो मच. अब आप गेम में वापस आ चुके हैं. 1252 people. अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने वाले हैं हमारे साथ. आपने मुझे बताना है, स्मार्ट लगने के लिए इन तीनों में से लोग क्या करते हैं? मतलब किताबें लेकर घूमते रहते हैं स्मार्टनेस दिखाने के लिए, चश्मे पहन लेते हैं क्योंकि फिर इंटेलिजेंट लगते हैं, या फिर फैंसी इंग्लिश बोलते हैं जैसे कि पोर्ट ब्लेयर, यू नो द थिंग अबाउट इंग्लिश क्यूके. मैं बताऊं इन ऑप्शंस के बारे में. जी, क्या मैं उठा लूं तुम्हारे किताबें? मुझसे दूर रहो हमेशा, चाहे जितनी भी भारी हो, जो भी वो जो तुमने 50 वाली वो किताबें खरीदी वो भी उठा लूंगा. और सिर्फ चश्मे में सभी होशियार लगते हैं. ओके. और अगर सिर्फ चश्मा पहनते हैं तो अंग्रेजी पे कौन गधा ध्यान देगा? नो, तुम इतनी दूर की सोच तक कैसे पहुंच जाते हो? मतलब बात सिर्फ चश्मे की नहीं हो रही है ना, मतलब आई डोंट इवन वांट टू एक्सप्लेन. तुम्हारे साये के नीचे मैं कुछ भी सोच सकता हूँ. क्या किया था मैंने, क्या किया था? बहुमत अपना जवाब बता चुकी है. किया, यही तो दिक्कत है. और बहुमत मेजोरिटी कहती है कि स्मार्ट लगने के लिए लोग फैंसी इंग्लिश यूज करते हैं. लेकिन फैंसी इंग्लिश का फायदा क्या है जब आपकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत रहेगी हियर देयर एवरीवेयर? तो ऐसी इंग्लिश ना ही बोलो ना. और एक वो अंकल है जो काफी फैंसी अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी बीवी के केस में फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी डिक्शनरी से बाज नहीं आते क्योंकि लोग वो केस भूल गए, बस उनकी इंग्लिश में ऐसे खो जाते हैं कि वैसा बोलते रहिए, आप बोलते रहिए. जैसे मैं तुम्हारे छत्र छाया में हो गया. नो, नीचे देखो, मेरे को मत, स्टॉप लुकिंग एट मी. तुम नीचे देखो, मैं ऊपर देखता हूं. ऑलराइट, 64 लोगों ने लाइफ यूज कर ली है. वेरी गुड, 852 पीपल इन टोटल प्लेइंग टू विन सम मनी. 12,000 से ज्यादा लोग इस समय इंडिया की सोच डिफाइन कर रहे हैं. और अब हम खेलने वाले हैं द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नाइट. आपने मुझे बताना है कि लड़कों को लड़कियों के डैश से डरना चाहिए. लड़कियों का डैश, ऑप्शन सुन लीजिए. हाँ, लड़कियों के भाई से, लड़कियों के डॉगी से, या लड़कियों के पिताजी से. हाँ, तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना, डैश क्यों बोलती हो? लड़कियों के ब्रदर, डॉग, फादर. यस. वैसे तुम बताओ, तुम्हारे पास तो तीनों है विधु, और तीनों से दूर रहना बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम विल बाइट यू. यू स्टे अवे फ्रॉम देम. यही तो विडंबना है, जिसे काटना चाहिए वो सिर्फ डांट रही है. मैना, I will cut you into little tiny pieces. No, छोटी. You're welcome. कहाँ से शुरू करेगी? No, stop it. I have some ideas. No, I don't want any ideas. No. रखो डॉगी, बापू और ब्रदर को छज्जे पे और तुम चलो. मतलब ऐसी कैसी दीवानगी. Anyway, चलिए. Love bites, love leads. You know it's what I need. All right then, जवाब जानने का टाइम आ चुका है. मेजोरिटी बहुमत ने अपना जवाब बता दिया और कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के फादर से हर लड़के को डरना चाहिए. ब्रदर से लड़ना चाहिए. सॉरी. तो मेरे प्यार में ऐसी चकाचौंध रोशनी के सामने आ गई हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि सबसे पहले ब्रदर से डरना चाहिए. दोनों से डरना चाहिए, फादर से भी ब्रदर से. लेकिन जनता कहती है कि बड़े भैया जो होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं. हाँ, ये तो क्या कर रहे हो तुम? मैं जरा देख रहा हूँ. डोंट यू मैसेज माय ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग? चौथा ओवर चालू हो गया इंडिया पाकिस्तान मैच का. ओह रियली? और 15 रन बन गए हैं. इतना अभी तुम्हारे लिए काफी है. भैया अंकल प्रणाम. स्टॉप इट. I'm sorry, Dad. 67 लोग ने beautifully second last question पे live use कर लिया. Final question attempt करने वाले हैं. Total 565 people playing the game to win some money. आखिरी सवाल है ये, और आपने मुझे बताना है इन तीनों में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें लोग successful नहीं होंगे अपने पिताजी की help के बिना. क्या कहा था तुमने? राजनीति, business.
या बॉलीवुड? आपके डैडी अगर सक्सेसफुल है और तब अगर आपकी हेल्प करे तभी आप इन क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते। देखो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर आपके डैडी सक्सेसफुल नहीं होते तो आपका तो वजूद ही नहीं होता। डैडी हैड टू बी सक्सेसफुल फॉर यू टू बी बोर्न। टेक्निकली यस, टेक्निकली आई एम वेरी साउंड। I can make you safe and sound too. आप expert हैं, opinion. तो देखिए जहाँ तक which field is it hardest to succeed, आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, चने के खेत में सक्सीड करना बहुत मुश्किल है बिना पिताजी के हेल्प के, क्योंकि चने की झाड़ियाँ छोटी होती हैं, इंसान दिख जाता है। ए विलियम शेक्सपियर वाली इंग्लिश किसने सिखाई तुमको? ये खेत या फील्ड की बात नहीं हो रही, मतलब ये क्षेत्र है, ये मतलब मैं I can't explain. I'm sorry. मैंने तुम बस इशारा करो बाकी मैं समझ जाऊंगा। इशारा करूं? All right then. जनता बहुमत ने अपना जवाब बता दिया है। फाइनल आंसर है ये कि अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पिताजी को बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मतलब सोचो मैं सक्सेसफुल तुम सक्सेसफुल है, आगे आने वाली पीढ़ियां वो सीढ़ियां सब सक्सेसफुल। सीढ़ियों से धक्का मार दो तुमको, सब कुछ मतलब खत्म ही हो जाए। नथिंग नथिंग Nothing doing. अगर तुम्हारा साथ हो तो सीढ़ी क्या मैं लिफ्ट में भी कूदने को 289 people, you are the winners of PollBaazi tonight. आपके लिए बले बले दिशा हो शाम करके दिखाओ, करके दिखाओ। मतलब क्या दिन है आपका, कंट्रोल क्या दिन है आपका? ये प्रोड्यूसर बदलो, प्रोड्यूसर बदलो। जब भी मैं तुम्हें नाचने कहता हूँ ये डिंडे टैप पे 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 चला देता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम गब्बरों में बसंती हो, तुम बोलोगे नाचोगे मैं नाच जाऊंगी है? मक्खी की टूटी हुई पंख प्रोड्यूसर। देखिए आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया तो जीतने वाला है, आप भी जीत गए, कितना ब्रिलियंट है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो फोटो खींच लीजिए, हैशटैग पोलबाजी लिखिए और @BaaziNow पर इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक अपनी फोटो अपना मैसेज प्लीज भेज दीजिए। और कौन कौन जीता है आज स्टॉप इट, ना बताएंगे हम आपके। आशिक, आप आशिक है कि आशिक है? संतोष, अक्षय। मन किसका मन? रूपाली, सागर, शिल्पा, शिखा, अरे आज तो मतलब विमेन फ्रेंडली मैच हो गया हमारा है। ध्रुव, पल्लवी, आजाद सिंह, लिसन आई एम वेरी हैप्पी टू गो आउट फॉर कॉफी विद विमेन एज वेल। तो अगर आप जीत गए हो तो कॉफी पे बुला लो। के टथरीसम 34 रुपीस जीते आपने, अरे वाजी वाह, कांग्रेचुलेशंस। अब अगर सोच रहे अगला मौका कब मिलेगा BaaziNow पर, मुझे शो के बाद मिलेगा ना? नहीं बिल्कुल, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। कब जीतेंगे अब आप पैसे? नेक्स्ट कल दोपहर 1 बजे खेलिए BrainBaazi मिनी, 3 बजे खेलिए PollBaazi मिनी, 4:30 बजे BingoBaazi, 8:30 बजे BrainBaazi एंड 9 PM yours truly will be back, hopefully एक 6-pack ऐप वाले एक्सपर्ट के साथ। है मेरे, देखो ना मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होपफुल लड़की हूँ। ये देखो अंदर से कितनी बार, नो नो प्लीज स्टॉप इट। ओके देन, आई होप यू हैड अ ग्रेट नाइट। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं हम साथ में। हाउ डीप इज माय वैली? गुड नाइट, स्टॉप इट। Good news guys, got a promotion and a damn good raise. Congrats beta. Congrats meri taraf se bhi. From mama too. Wah, raise? Ab to insurance policy le le. Insurance? Kaun si company se lo? Sochna kya? Choose wahi jis par ho pura bharosa. Veeru, go for convenience. My company is online, quick and simple. Beta, but policy samjhayega kaun? Website pe sab hai papa. I can even call and ask. क्लेम सेटलमेंट का रेशियो क्या है? मेरी कंपनी का 98% से ज्यादा है। That's good, but आज की जनरेशन wants everything online. Easy premium payment options, loan facilities और wide range of products. अरे पापा दीदी, I will decide. Just send your links ना। तुम दोनों भी ना। Same choice. LIC. LIC trending with times. 62 सालों से हर जनरेशन की पसंद।